हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरितराज क्रिएटिव इंडिया। दिस इज सचिदानंद विश्वकर्मा। तो टुडेज आवर टॉपिक इज मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। आज हम लोग का विषय है पृथ्वी के प्रमुख क्षेत्र, जो कि क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी ज्योग्राफी है। तो जैसा कि हम लोग चालू करने से पहले ये बता दें कि जो ये हम लोग जितना भी सब पढ़ेंगे उनका हम लोग का PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो इसका हमने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर चुका है। ओके, आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं इसका PDF। ओके, तो हम लोग चालू करते हैं अपना आज का यह क्लास। तो हम लोग पहले क्लास चालू करने से पहले हम लोग पहले समझना पड़ता है कि क्या हम लोग का टॉपिक हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम लोग का टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, बेसिक डोमेन्स ऑफ द ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये हम लोग का 6th पॉइंट है, जो इसमें हम लोग का यह चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पूरा कम्प्लीटली अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। इसमें कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ओके, जैसे आपको ये पहला हम लोग इमेज देख सकते हैं आप कि जो है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, बायोस्फीयर किस प्रकार से प्रोवाइड किस प्रकार से जीव या अपन व्यतीत करते हैं। देखिए बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक मतलब कि बहुत निम्न प्रकार का जो परिचय इसका क्या हो सकता है कि वी नो दैट द अर्थ इज एन ओनली प्लानट प्लानट विच हैज़ लाइफ। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाए जाती हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर लैंड, वाटर, एयर तीनों पाए जाती हैं। अगर हम लोग बात किया जाए कॉम्प्लेक्स जोन हिसाब से, तो इसमें जो तीनों चीज़ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोसफियर तीनों एक मीटअप ओवरलैप करती हैं, इसी कारण से यहाँ पर सर्वाइव लाइफ पाई जाती है। तो इसमें से हम लोग अगर क्लासीफाई किया जाए तो इसमें सॉलिड पोर्शन कहते हैं लिथोस्फीयर, गैसेस कहते हैं एटमोसफियर, और जो बिग वाटर हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, और सभी चीज़ों को मिलाते हैं तो बायोस्फीयर हो जाता है। ओके, तो हम लोग का चलो करते हैं लिथोस्फीयर से। लिथोस्फीयर इज द ओनली पोर्शन ऑफ द दीज अर्थ सर्फेस। लिथोस्फीयर एकमात्र ऐसा जो सॉलिड है जो कि लिथोस्फीयर में पाया जाता है। इट कंटेन्स रॉक एंड थिन लेयर ऑफ द अर्थ सर्फेस। यह क्या क्या कंटेन करते हैं? यह रॉक, चट्टान को, जितने थिन लेयर ऑफ द अर्थ सर्फेस है, इन सभी कंटेन किया जाता है लिथोस्फीयर। और जिसमें कि लिथोस्फीयर जो थिन लेयर ऑफ अर्थ सरफेस है उसके अंदर, जो उसके अगर बात किया जाए इंटीरियर ऑफ द थिन लेयर ऑफ द अर्थ, उसमें आपका न्यूट्रिएंट एलिमेंट पाए जाती हैं। एक सेकेंड देखिए, न्यूट्रिएंट एलिमेंट पाए जाती हैं। और जो लिथोस्फीयर होता है ये मर्ज होता है ओशियन से, क्योंकि अगर भाई इसी के अंदर में ओशियन रहेगा ऐसा बात नहीं कि उसका अलग पार्ट रहेगा, तो ये दूसरे से मर्ज होती हैं। मर्ज होने के कारण से हम लोग ओशियन को, ओशियन अगर देखा जाए तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन अगर बात किया जाए लिथोस्फीयर को तो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहती हैं। तो इसी कारण से हम लोग अलग अलग नाम रखना पड़ा हर लिथोस्फीयर का। लिथोस्फीयर हिसाब से हम लोग जानते हैं उसे कॉन्टिनेंट कहते हैं, अलग अलग पार्ट, छोटे छोटे पार्ट जो कि वाटर डिवाइड करता है उसे कहते हैं हम लोग कॉन्टिनेंट। और जो कि पूरे पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट हम लोग आज तक क्लासीफाई किए हैं, जो कि आपका यह आपका है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। दिस आर द 7 कॉन्टिनेंट दैट आर फाउंड ऑन द आवर अर्थ सर्फेस। जैसा कि आप यहाँ पे GIF फॉर्म में दे सकते हैं, सब आपका क्लिक दिखा रहा है। ओके, चालू करते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। हम लोग का जो पृथ्वी है कहा जाता है ब्लू प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पर 97% ऑफ द अर्थ फाउंड इन द ओशियन। लगभग 97% जितना भी रहते हैं सभी पृथ्वी के भाग है वो लगभग ओशियन, समुद्र ही हैं। 3% पे ही लिथोस्फीयर है। और कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड रनिंग वाटर, इसमें जो कि वाटर किस प्रकार कितने कितने फॉर्म में कैटेगराइज होते हैं, रनिंग वाटर जितने पानी दौड़ रहे चल रहे हैं, लिक्विड, आइस, अब जो बर्फ है, वाटर वेपर, जो वायुमंडल में वाटर वेपर भाप बने, ये सभी हाइड्रोस्फीयर के अंडर में आएंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग भले इतना कहते हैं कि 97% ऑफ द अर्थ इज़ फाउंड विद द ओशियन, लेकिन तो भी अगर हम लोग आज देखा जाए तो आज में हम लोग में शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी से कई लोग किल्लत, पानी की किल्लत से मर जा रहे हैं। कई जीव जंतु पानी की वजह से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ह्यूमन के द्वारा ऐसे बहुत सारे गंदगी प्रदूषण फैलाए जाते हैं, या हम लोग ओवर यूज ऑफ हाइड्रोस्फीयर यूज कर रहे हैं, मतलब पानी का ज़्यादा वेस्टेज कर रहे हैं, पोल्यूशन ऑफ वाटर कर रहे हैं। इस कारण से हम लोग में जो शॉर्टेज ऑफ वाटर हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ परसेंटेज दिया है, जो कि जो ब्लू कलर का इस चार्ट दिया है इसमें पूरे ओशियन है, बाकी जो छोटा दिया है इसमें जो हम लोग का ड्रिंकिंग वाटर या उसमें ग्राउंड वाटर है। देखिए पूरे 5 प्रकार का ओशियन होता है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड साउथर्न ओशियन। ओके, देखिए यहाँ पे एक बॉडी चीज़ एक एटमॉस्फेयर, जहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़रूरी है, ये तीनों ज़रूरी है। अगर एक दूसरे से सब एक दूसरे से लिंक है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? अर्थ इज सराउंडेड बाई
लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो अर्थ है एक लेयर ऑफ गैसेस अराउंड होता है, जिसे कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। दिस थिन लेयर ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। तो ये थिन लेयर ऑफ इंटीग्रल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं हमारे प्लैनेट, हमारे ग्रह पे। इट प्रोवाइड अस विथ एयर वी ब्रीथ, ये हम लोग को प्रोवाइड करते हैं जैसे हम लोग सांस लेते हैं। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज, और यह यहाँ तक कि हम लोग ये मदद भी करते हैं जितने भी हार्मफुल रे आते हैं सूर्य के द्वारा। एटमोसफियर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। जो एटमोसफियर होता है ये लगभग 1600 किलोमीटर अब तक एक्सटेंड हुआ है। अब देखिए एटमॉस्फेयर की 5 कैटेगरी में बताया गया, किस बेसिस पर डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टी, कुछ अन्य गुण की वजह से इसको डिवाइड किया गया है, जो कि लेयर में है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। दीज आर द 5 लेयर दैट आर क्लासिफाई ऑन द अर्थ सर्फेस। इसमें ट्रेंड है कि डेंसिटी ऑफ एयर एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज एज वी गो अप। यहाँ पे जो डेंसिटी हवा की घनत्व है, जो तापमान, ये घटते रहते हैं एज गो टू अप। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। कारण क्या समझ आएंगे, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर हम लोग का कम होता रहता है। डेंसिटी ऑफ एयर में वाटर पार्टिकल का मूवमेंट होता स्लो हो जाता है, इस कारण से हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं। देखिए बायोस्फीयर, इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर। ये तीनों चीज़ का संगलन है, जो कि लैंड वाटर एयर का तीनों कनेक्टेड है। दीज आर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिम्स दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। ये सेवरल कुछ एस्पेक्ट हैं और जो ऑर्गेनिक जीव जंतुओं का, जो कि एक माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े जीव जंतु जीव जंतु तक पाए जाते हैं बायोस्फीयर में, जो यहाँ सर्वाइव करते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। जितने भी जीव जंतु हैं यहाँ पे पृथ्वी पर, वो सभी डिवाइड किए गए हैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। अब देखिए यहाँ बहुत लास्ट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल पोल्यूट द एयर। जितनी भी इमिशन, जितने भी सब निकलते हैं वायुमंडल में हवाएं, जो कि इंडस्ट्री से, थर्मल पावर प्लांट से, व्हीकल से, ये सभी हवा को पोल्यूट करते हैं, हवा को गंदगी फैला देते हैं, गंदा कर देते हैं हवा को। जैसे कि लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अगर बात की जाए रेशियो में, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है एयर में, लेकिन इसके इंक्रीज होने से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसका इंक्रीज होने का कारण क्या है कि हम भाई बहुत ज़्यादा मात्रा इमिशन ऑफ CO2 कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा, जो कि आप यहाँ फोटो देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग है कुछ ये भी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल द कीप।